हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल रीड लेसन फर्स्ट ऑफ सिविक्स द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री रंस कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में संविधान बोलते हैं तो संविधान एक सेट ऑफ रूल्स होता है या फिर हम बोल सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताए होते हैं जिसके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है सरकार होती है वो चलती है कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट का जो काम होता है उसको प्रॉपर चलाने में हेल्प करता है कैसे गवर्नमेंट के रोल क्या है उसका उसके काम क्या है और गवर्नमेंट की पावर क्या है तो ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट गवर्नमेंट कैन नाट मिसयूज दैम गवर्नमेंट अपनी पावर्स और अपने रोल को मिसयूज ना करे और ना ही सिटीजेंस के राइट्स को वायलेट करे सिटीजन्स के जो अधिकार हैं नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको आ, कुछ नुकसान पहुंचाए तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लेकिन एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ पर लोग खुद अपने नेता चुन सकते हैं ऐसे देशों में गव ऐसी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाती है इसके कुछ रीजंस हैं फर्स्ट रीजन है द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेटिक कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है सरकार होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनती है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही अपना काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट uh, के जो तीन ऑर्गन्स होते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और ज्यूडिशियरी एग्जीक्यूटिव मतलब uh, जो बॉडी uh, कार्यपालिका की होती है यानी कि जो लॉज बनाती है नियम कानून बनाती है दैट इज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर यानी वो बॉडी वो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो उन कानूनों को लागू करती है और जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका जो उन कानूनों की रक्षा करती है तो ये जो तीन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशियरी इनकी पोजीशन क्या है और इनके पावर क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कॉन्स्टिट्यूशन सेफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन देश के जितने भी नागरिक हैं जितने भी लोग हैं रहने वाले उन सभी के क्या क्या अधिकार हैं उनकी ये रक्षा करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एस्टेब्लिशेज द रूल ऑफ लॉ एंड ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्रेम्स लॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी लोकतंत्र सरकार जो भी कानून बनाती है जो भी नियम बनाती है वो उन्ही बेसिस पर बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं उसके बाहर वो नहीं बना सकती कोई भी नियम और कानून और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ़ लॉ भी एस्टेब्लिश करता है यानी कि सभी लोग कानून के सामने एक समान है कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है दैट इज़ कॉल्ड रूल ऑफ़ लॉ नीड फॉर लॉज अब हमने ये देखा कि कान नियम कानून तो होते हैं किसी भी गवर्नमेंट में या किसी भी सोसाइटी में तो उन कानूनों की या उन नियमों की ज़रूरत क्या होती है उनकी नीड क्या होती है हमारी सोसाइटी में हमेशा लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन चलता रहता है आ, बिकॉज ऑफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स जो भी रिसोर्सेज हैं जो भी सामान है उनके लिए आ, किसको कितना मिलना चाहिए किसको क्या मिलना चाहिए उसके आ, उस मैटर पर लोगों के बीच में सोसाइटी में कॉम्पिटिशन चलता रहता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है लड़ाई झगड़ा होता है लॉज आर देर फोर नीडेड टू अवॉइड फ्रिक्शन तो इन लड़ाई झगड़ों को रोकने के लिए नियम कानून ज़रूरी हो जाते हैं उनकी ज़रूरत होती है और लॉज जो होते हैं वो ही सोसाइटी में पीस और हारमोनी यानी कि नियम और शांति बनाए रखते हैं देखिए सोसाइटी है सोसाइटी किससे मिलकर बनती है लोगों से मिलकर बनती है तो ग्रुप ऑफ पीपल अब खूब सारे लोग होंगे तो कंपटीशन भी होगा कंपटीशन अमंग पीपल कंपटीशन की वजह से लड़ाई झगड़ा होगा दैट इज़ फ्रिक्शन और इस लड़ाई झगड़े की वजह से नीड फॉर लॉज यानी कि नियमों की ज़रूरत पड़ती है नाउ डाउरी एंड नीड फॉर लॉ डाउरी का मतलब होता है दहेज द मनी गुड्स और एस्टेट दैट अ वुमेन ब्रिंग्स टू हर हसबैंड इन मैरिज इज नोन एज डाउरी दहेज का मतलब होता है जो भी पैसे कुछ भी सामान या कुछ भी आ, कोई सी भी चीज़ जो कि एक वुमेन अपने हस्बैंड के घर शादी के टाइम लाती है तो उसको डाउरी यानी कि दहेज कहा जाता है मैरिज होती है तो गिफ्ट्स ऑफ गोल्ड अपने घर से जो लड़की होती है वो या तो गोल्ड में सामान लाती है या फिर कपड़े लाती है या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कोई सी भी सामान या फिर लार्ज सम ऑफ कैश यानी कि ज़्यादा खूब सारे पैसे लेकर आती है तो इसके कारण क्या होता है बहुत सारी जो पुअर फैमिलीज होती है गरीब फैमिलीज होती है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है कर्ज हो जाता है तो आगे जो फाइनेंशियल uh, रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफ़िल करने में वो एबल नहीं होते हैं यानी कि जो गरीब परिवार होते हैं वो आ, उनको पैसों की कमी हो जाती है तो वो और ज़्यादा डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो उसकी वजह से ह्यूमिलिएशन होता है टॉर्चर होता है और हेरसमेंट होता है यानी कि जो विमेन के जो इन लॉज होते हैं ससुराल वाले होते हैं वो उसको टॉर्चर करते हैं उसको आ, बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं उसके साथ और इस कारण किचन डेट्स होती हैं जो किछ... हम आए दिन न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि आ, जो औरत है उसकी किचन में डेथ हो गई है खाना बनाते बनाते तो वो इसी कारण होती है इनिशियली वुमेन्स ग्रुप जो थे इनिशियली uh, मतलब स्टार्टिंग में जो वुमेन्स ग्रुप थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था डाउरी डेथ्स का जो जो केसेस आए थे उसके बारे में इसके बाद uh, ये नाइनटीन के बीच का टाइम था कि जो विमेंस मूवमेंट था और जो अदर ह्यूमन राइट ग्रुप्स थे उन्होंने इंडिया में जो डाउरी सिस्टम था जो दहेज प्रथा का वो पहले बहुत ज़्यादा प्रचलन था नाइनटीन सिक्सटीज़ में उसको एक्सपोज किया था उसको दिखाया था कि ऐसा भी होता है बहुत ज़्यादा कि इसी की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं औरतों की नेशनल कैंपेन डिमांडेड इन मिस्टीरियस डेथ्स टू बी प्रज्यूम टू बी मर्डर्स तो एक बहुत बड़ा इसमें कैम्पेन चला था बहुत बड़ा इसमें नेशनल कैम्पेन चला था पूरे इंडिया में जिसकी जिसने डिमांड किया कि ये जो मिस्टीरियस डेथ्स हैं इन्हें हम मर्डर इन्हें मर्डर कहा जाना चाहिए जब तक पुलिस इसको प्रूव नहीं कर सकती तब तक इनको मर्डर ही कहा जाना चाहिए जो औरतों की किचन में डेथ हो जाती है उसको इन सभी की वजह से इस कैंपेन की वजह से 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था यानी कि इस एक्ट के बाद अब डाउरी लेना दहेज लेना कानूनन अपराध हो चुका है